हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक वे आइसोलेट प्रोडक्ट का फ्रॉम द ब्रांड मसल नेटर। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक बहुत बड़े मिथ को जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में ना जाने कब से घूम रहा है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। यानी बहुत लोगों को इंक्लूडिंग जिम ओनर्स, जिम ट्रेनर्स को ये लगता है कि वे आइसोलेट इज़ बेटर देन वे कॉन्सेंट्रेट इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, और उसी वजह से वे आइसोलेट से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। और तो और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वे आइसोलेट इज़ बेटर फॉर फैट लॉस क्योंकि इसमें कार्ब कंटेंट ना के बराबर होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब साइंटिफिक स्टडीज़ ये टाइम एंड अगेन प्रूव कर चुकी हैं कि वे आइसोलेट के कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है ओवर वे कॉन्सेंट्रेट। और वे आइसोलेट बस लैक्टोस इंटॉलरेंट जो बंदे हैं उनके लिए यूज फुल हो सकता है। इसीलिए अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं हो तो अपने पैसे बचाओ भाई, और वे कॉन्सेंट्रेट या फिर कॉन्सेंट्रेट प्लस आइसोलेट का ब्लेंड यूज करो। बाकी मैंने इस टॉपिक पे यानी आइसोलेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेट वर्सेस हाइड्रोलाइसेट पे डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसे आप देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रिव्यू वीडियो। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने मसल नेटर के इस प्रोडक्ट का कंपैरिजन दिखाया है फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड दोनों ही तरह के प्रोडक्ट से। और प्राइसिंग के मामले में ये प्रोडक्ट जहां बाकी दूसरे फ्लेवर्ड प्रोडक्ट से थोड़ा सस्ता है वहीं अनफ्लेवर्ड वे आइसोलेट प्रोडक्ट से थोड़ा महंगा है। और ये प्राइस आपको एक कोड यानी MAD5 लगाने से ही मिलेगा। सो ऑल इन ऑल इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और मैं बोलूँगा कि कंपनी ने अच्छा काम किया है फ्रॉम अ प्राइसिंग परस्पेक्टिव। अगर न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करूं तो नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि कार्ब कंटेंट इस प्रोडक्ट में थोड़ा ज़्यादा ही है इन कंपैरिजन टू कंपटीशन। वहीं अगर ओवरऑल कैलोरीज की बात करें तो वो काफ़ी कम ही है यानी 119 कैलोरीज। बाकी प्रोडक्ट में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाते हैं और इसके साथ साथ कंपनी ने इसमें स्टीविया का भी यूज़ करा है अलॉन्ग विद सुक्रोलोस। हालांकि मेरा ये मानना है अगर कंपनी सिर्फ स्टीविया यूज़ करती तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता न्यूट्रिशन प्रोफाइल के पर्सपेक्टिव से। सो टू कंक्लूड, प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन प्रोफाइल इज नॉट वाव बट इट्स नॉट बैड ईदर। हालांकि ये प्रोडक्ट पाउच पैक में आता है लेकिन कंपनी ने पैकेजिंग पे बहुत काम किया है। मतलब दिस इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट पाउच पैक्स विच इज आउट देयर फ्रॉम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर। चाहे आप डिजाइन लैंग्वेज देख लो यानी जो प्राइमरी पाउच पैक है वो देख लो, या फिर उसके अंदर एक और जो पाउच पैक डाला हुआ है फॉर एडेड सेफ्टी, या फिर हम स्कूप की बात कर लें जो कि कस्टमाइज है यानी ग्रीन कलर का है विद कंपनीज ब्रांडिंग। तो ऑल इन ऑल मतलब पाउच काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको प्रीमियम प्रोडक्ट की फील देता है। बाकी इस बार मैंने इस प्रोडक्ट को एक दूसरी आईडी बना के मंगवाया अपने वाइफ के नाम से ताकि कंपनी पिक एंड चूज करके प्रोडक्ट ना बेच सके। और कंपनी ने इस ऑर्डर के साथ एक फ्री भी दिया। और जब आप पहली नज़र में मतलब जब मैंने पहली नज़र में उस फ्रीबी को देखा तो मुझे लगा भाई क्या मजाक है, मतलब ये क्या दे दिए छोटे छोटे पाउच पैक्स, इनका मैं क्या अचार डालूंगा। लेकिन इन पाउच पैक्स का डेफिनेटली एक यूज़ केस सिनेरियो है जो मैंने ट्राई किया, यानी मैं इनमें वे प्रोटीन भर के ले गया। मतलब वे प्रोटीन की जगह आप क्रिएटिन BCAA कुछ भी डाल के ले जा सकते हो, एक सर्विंग दो सर्विंग जब आप ट्रैवल कर रहे हो। और इनको यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट है, बस खोलो और यूज़ कर लो और पैक्स ही रीयूजेबल हैं। तो मतलब है ये छोटी सी चीज़ बट काफी यूजफुल है। सो पैकेजिंग के मामले में कंपनी ने डेफिनेटली झंडे गाड़े हुए हैं। ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये प्रोडक्ट है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, लेकिन आपको इसमें स्ट्रॉबेरी जैसी खुशबू नहीं आएगी बल्कि उसकी जगह आपको लगेगा कि वेनिला जैसा कुछ है। लेकिन स्मेल ओवरऑल एक्सेप्टेबल है, अच्छी है। बाकी प्रोडक्ट का जो पार्टिकल साइज है वो कोर्स है, फ्लो थोड़ा लंपी ही है जैसा वे प्रोटीन का होना चाहिए। और तो और पाउडर का जो कलर है वो काफ़ी यूनिफॉर्म है, इंडिकेटिंग कि ब्लेंडिंग बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। वही स्वीटनेस फ्लेवर एंड ओवरऑल टेस्ट आपको पता चलेगा एक्चुअल यूज़र रिव्यू वाले सेक्शन में। यानी इस बार प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थे तो मैंने दूसरे लोगों को यूज़ करने के लिए दिए थे ये प्रोडक्ट ताकि आपको इन डेप्थ रिव्यू मिल सके। दिस इज़ द सेक्शन विच आई हेट टू टॉक अबाउट क्योंकि स्कूप कभी एक्यूरेट होते ही नहीं है। बट एक दो मेरे यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने इसको इतना बड़ा इशू बना दिया है, इतना बड़ा हवा बना दिया है स्कूप एक्यूरेसी को लेके, तो मेरे को भी करना पड़ता है आप लोगों की खुशी के लिए। बट सीरियसली अगर आपको अपनी कैलोरीज एक्यूरेटली ट्रैक करनी है तो बाय अ किचन स्केल। और जैसा आप देख सकते हो स्केल में रीडिंग आई है 36 ग्राम की, और मैंने हीप स्कूप लिया था एज पर डायरेक्शंस ऑन द लेबल। कंपनी कहती है कि स्कूप है 33 ग्राम का, इसलिए मैं बोलूँगा
कि अगर आप स्कूप लेवल्ड लेंगे तो आपको 33 ग्राम पाउडर मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ हीप्ड स्कूप आप लेवल्ड स्कूप लीजिएगा। तो आज यूज़र रिव्यू में मेरे साथ जो यूज़र रिव्यू देने आ रहा है अपना, शी इज़ नन अदर देन माई ब्यूटिफुल वाइफ, माई बेटर हाफ, उसका नाम है मधु। तो आओ उसको एक बार वेलकम कर लेते हैं। से हाय। हाय ऑल द व्यूअर्स। ठीक है। अच्छा मधु, ये बताओ कि आज तक आपने कितने मतलब अलग अलग ब्रांड्स के वे प्रोटीन पिए हैं? ज़्यादा नहीं कंज्यूम करते हैं ये, एक सर्विंग ज़्यादा से ज़्यादा दिन में वर्कआउट के बाद में, या फिर कभी वैसे ही दिन में भूख लगी है तो पी लिया? तो कितने अलग अलग तरह के पिए हैं? मेरे ख्याल से 4-5 तो पिए होंगे। हाँ, 4-5 पिए हैं। और पता जो है फ्लेवर अच्छा लगा वो पी लिया, रादर देन आइडेंटिफाइंग हाँ ये नेक प्रो है ये कौन सा है। पर 2-3 नाम याद है रैंडमली, मसल नेक्टर, नेक प्रो, जिनके मसल नेक्टर वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो आपने पूरा पैकेट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, तो उसी का ये रिव्यू, उसी के बारे में फीडबैक देना है आपने। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर बात करूँ प्रोडक्ट की, तो इसकी जो स्वीटनेस है एक, वो आपको कैसी लगी? मतलब ज़्यादा मीठा है बहुत? स्वीटनेस बैलेंस्ड है काफ़ी इसकी, बहुत एक कहूँगी एक्सट्रीम मीठा भी नहीं है और मतलब फीका भी नहीं है, तो बहुत ही बैलेंस्ड है इसकी, तो अच्छा है काफ़ी। कुछ आफ्टर टेस्ट आता है क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनेस जब डालते हैं हम प्रोडक्ट में, तो वो एक कड़वा सा आफ्टर टेस्ट आता है कई प्रोडक्ट्स में। तो नहीं ऐसा नहीं, मैं ये बोलूंगी कि बैलेंस्ड है, तो फिर आफ्टर टेस्ट कोई इसका कड़वा आफ्टर टेस्ट कुछ नहीं आता है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो अब जैसे मुझे पता है कि मधु के जो 2-3 फेवरेट फ्लेवर्स हैं, जब भी हम जाते हैं कोई आइसक्रीम या फिर कोई शेक वगैरह पीने के लिए, तो इसको एक चॉकलेट पसंद है, एक स्ट्रॉबेरी पसंद है और एक क्रीम एंड कुकीज़ पसंद है। ज़्यादातर मतलब लोगों को ये पसंद होते हैं। तो जैसे आइसक्रीम और शेक में जो आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूजुअली पीते हो, और ये वाला प्रोडक्ट भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो उसके कंपैरिजन में इस प्रोडक्ट को अगर आपको रेट करना हो 10 out of 10, तो इसका फ्लेवर कैसा बताओगे आप? फ्लेवर की अगर मैं बात करूँ तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हाँ नॉर्मल फ्लेवर है। जैसे हम किसी भी कोई भी चीज़ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मेल, जैसे टॉफ़ी होगी, चॉकलेट्स होगी, एक फ्लेवर्स आते हैं नॉर्मल फ्लेवर्स है, और या फिर किसी में पंजेंट सी स्मेल होती है, तो उसमें बहुत ही नॉर्मल स्मेल है, और जो कि मतलब सही लगी मुझे। सही लगी हाँ, तो स्मेल भी सही है और फ्लेवर भी बहुत ज्यादा ऐसा पंजेंट नहीं है कि आर्टिफिशियल लगे, पर बहुत ज्यादा माइल्ड भी नहीं है कि पता ही ना चले कि कौन सा फ्लेवर है। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे दिन में कितनी बार कंज्यूम किया है यूजुअली? वैसे तो मैं एक ही बार लेती हूँ दिन में, पर हाँ मतलब ऐसा हुआ है एट टाइम्स मैंने 2 बार भी लिया है इसको, एंड मोस्टली पानी के साथ। मोस्टली मैंने पानी के साथ, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी काफी अच्छी है। उस पे आएंगे सॉल्युबिलिटी पे, लेकिन उससे पहले सॉल्युबिलिटी से पहले आप ये बताओ कि जैसे पीने के बाद में डाइजेस्टिबिलिटी कैसी थी, मतलब ब्लोटिंग वगैरह फील हुई? अच्छा, सो जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया इसको तो तब मुझे लगा कि हाँ ये तो काफ़ी ऐसे भारी, आई फेल्ट वेरी ब्लोटेड कि हाँ, तब मैंने अजय को बोला कि ये तो मज़ा नहीं आया, गले तक आ गया। सो इट वॉज लाइक, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं लूँगी मैं। हाँ, फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन बाद, मुझे पता नहीं था मैं यही सेम ले रही हूँ, और फिर मैंने ब्रांड से मतलब नहीं, ब्रांड से मतलब वही ले लिया। हाँ, तो मैंने 2-3 बार लिया, फिर मैंने बोला अजय को, मैंने कहा यार वो पैकेट गायब हो गया है। सो फिर अजय ने बताया रखा हुआ है, एंड इट वाज द सेम पैकेट, तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार ये फर्स्ट टाइम में तो प्रॉब्लम किया था, पर अब ठीक है। अब ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा ब्लोटेड फील किया था, लेकिन उसके बाद में डाइजेस्टिबिलिटी में कोई इशू नहीं हुई है ना? ठीक है। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी, हाँ वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है लोगों के लिए, कोई भी जब वो वे प्रोटीन खरीदते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। तो आप बताओ कि सॉल्युबिलिटी मतलब यूजुअली आप कैसे करते, शेक में मिक्स करके पीते थे या कैसे ग्लास में? जैसे मैंने ग्लास में देखा, स्टार्टिंग में तो मैंने शेक में मिक्स किया, पर हाँ अब तो जैसे ये होता है कि मतलब आउट ऑफ मतलब वर्क और या मतलब टाइम की कमी है, तो फिर आपने ग्लास उठाया, चम्मच ली और मिक्स कर लिया, तो मतलब सेम मैंने भी वैसे ही किया। तो इसमें सॉल्युबिलिटी मतलब लम्स नहीं बनते हैं, जैसे मैं चम्मच से भी मिलाती हूँ तो बहुत ही अच्छा है इसका सॉल्युबिलिटी, जो इंटेंट है मतलब शेकर की भी जरूरत नहीं पड़ी,
ग्लास में डाला, हाँ, चम्मच से घुमाया और मिक्स हो गया, बस कोई लम्स वम्स नहीं मैंने, कोई लम्स नहीं। और ये मतलब मुझे वन ऑफ द बेस्ट चीज लगी, क्योंकि अभी तक जितने लिए हैं उसमें वही है, घुमा घुमा के लम्स बन रहे हैं, इससे अच्छा है फिर आप शेक निकालो, शेकर निकालो और वो यूज करो। ठीक ठीक है, तो भाई क्या कहते हैं, अच्छा अब ओवरऑल अगर इसको नंबर दे दें प्रोडक्ट को 10 में से अभी तक जितने भी जो दूसरे पिए हैं ब्रांड, तो अगर ऑनेस्टली मतलब 10 में से आपको रेट करना हो इसको तो कितने करो? आई विल रेट 9। 9 एक नंबर क्यों काट लिया? एक नंबर इसलिए काट लिया क्योंकि मुझे जो प्रोटीन का जो एक फॉर्म से जो टेस्ट है वो नहीं पसंद है, वो इसलिए दूध नहीं पसंद मुझे। क्योंकि इसको दूध नहीं पसंद है, उसमें भी बोनवीटा भर भर के डाल डाल के पीती है ये, तो जो एक वे प्रोटीन का इनहेरेंट टेस्ट होता है उसकी वजह से उन्होंने एक नंबर काटा है, तो वो सभी वे प्रोटीन का काटेगी, तो फिर उस हिसाब से मतलब थम्स अप है प्रोडक्ट। हाँ, इसके लिए मतलब आप अगर किसी से कोई पूछा जाए कि हाँ भाई मधु मैं ये प्रोटीन ले लूँ जो आप ले रहे हो, तो आप उसको बोलोगे? हाँ, आई विल रिकमेंड दिस प्रोटीन। दिस प्रोटीन, ठीक है। सो विद दैट लेट्स एंड दिस यूजर रिव्यू और नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। बाय तो बोल दो। हाँ, थैंक्स। बाय भी बोल दो। बाय। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट आया है 74.47 एज इस बेसिस पे, और अगर आप इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 78.38 अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट। वही कंपनी क्लेम करती है 27 ग्राम प्रोटीन हर 33 ग्राम की सर्विंग में, यानी 81.81%। तो हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट में 3.43% कम प्रोटीन आया है, यानी ये स्कूप में आपको 27 ग्राम की जगह मिलेगा लगभग 26 ग्राम प्रोटीन। सो टू कंक्लूड, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट हम कंपनी को दे सकते हैं, यानी 3-4% का एनालिटिकल एरर हो सकता है, इसीलिए मैं प्रोडक्ट को जस्ट पास ही मानूंगा। तो देखो यार, इस प्रोडक्ट का ओवरऑल टेस्ट और वो भी इस पर्टिकुलर फ्लेवर की अगर बात करूं तो वो मेरी वाइफ यानी एक्चुअल यूजर को अच्छा लगा है। सॉल्युबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी भी प्रोडक्ट की मस्त है, वही न्यूट्रिशन प्रोफाइल एक्सेप्टेबल है, और पैकेजिंग के तो क्या ही कहने। बाकी लैब रिपोर्ट में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो नहीं मैं बोलूँगा इस प्रोडक्ट की, बट ये हाथ पैर मार के पास हो ही गया है। लास्टली प्राइसिंग के मामले में तो ये प्रोडक्ट हैंड्स डाउन वैल्यू फॉर मनी है, तो इन सब चीज़ों को देख के मैं यही बोलूँगा कि अगर आप मार्केट में एक फ्लेवर्ड आइसोलेट प्रोडक्ट की तलाश में हो तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हो। वही अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ कराया है तो डू शेयर योर एक्सपीरियंस, और अगर वीडियो पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।